जी, जैसे से इलेक्शंस पास आ रहे हैं वैसे वैसे सरकार को लग रहा है भाजपा को कि उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बन रही है, तो इसी सब को देखते हुए इस तरह के कठोर कदम उठा रही है। अभी राम मंदिर की जो बात करें तो लगातार कार्यक्रम की घोषणा कर रही है बीजेपी, तो क्या इसमें समाजवादी पार्टी की रहेगा कि भागीदारी रहेगी वहाँ पहुँचने की? हम तो मन से राम, भगवान राम जी के साथ हैं। मैंने पहले भी बोला था कि हम सबको भगवान जो राम है उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है और उनके मार्ग पे चलना है। तो जो राम राम जो कर रहे हैं उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो भगवान राम के जो आदर्श हैं, जो उनके संस्कार हैं, क्या वो उनको अपने जीवन में उतार पाए हैं कि नहीं उतार पाए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने कहा है कि जो पहले राम विरोधी थे अब राम मंदिर में आने के लिए नोएते का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, नेता कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या कोई भी नेता जब भगवान बुलाते हैं तब दरबार में जाया जाता है, ये सबको बात पता है। हमारे हिंदू धर्म में यही बात कही गई है कि जब बुलावा लगता है तभी आप दर्शन करने के पहुँचते हैं, तो जब हमारा बुलावा लगेगा तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा बसपा अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती तो उसकी परिकल्पना पूरी नहीं की जा सकती, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा स्थानीय दलों को बताया दीमक। मैं समझती हूँ कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी शुरू से रही है और अब हमें ये देखना है कौन मजबूती के साथ भाजपा से लड़ सकता है। और मेरा मानना है कि हम जिस गठबंधन में है हम उस गठबंधन में बढ़िया करेंगे और जो सीट जहां से जो जीतने लायक होगा उन्हीं को सीट दी जाएगी, जिससे कि मजबूती के साथ भाजपा के सामने खड़े दिखाई दे। जैसे कयास लगाया जा रहा है कि 30 सीटें मांग रही है यूपी के अंदर, ये आपका आकलन है, मैं नहीं समझती हूँ ऐसी कोई बात। जैसे कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस को हटाने के काम कर रही है सपा या बीजेपी के भाजपा में? हमारा जो पार्टी है जिसके साथ हमें लड़ना है वो भाजपा है और बहुत मजबूती के साथ लड़ना है। तो मैं समझती हूँ इंडिया ब्लॉक भी ये बात समझती है कि भाजपा को जो हराएगा कैंडिडेट उसी का साथ दिया जाएगा, उसी का समर्थन किया जाएगा। जिस तरह से अभी राजस्थान में जो चुनाव हुए थे उसमें जो ना लगातार 3 प्रदेशों में भाजपा काबिज रही है, तो क्या लगता है इसमें क्या ईवीएम की कमी है या समर्थन मिला? सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह जर्मनी हो, चाहे वह कोई भी देश हो पूरे विश्व में, सब जगह आज बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम्स आई थी लेकिन ईवीएम्स का जो यूज है उसको बंद करके लोग वापस बैलेट पेपर में आए हैं, तो अगर हम वापस बैलेट पेपर में आते हैं तो ये बहुत ही प्रगतिशील कदम होगा मैं समझती हूँ। तो इसका मतलब जो है ईवीएम से चुनाव नहीं किया जाए तो जनता जो है बाकी में जिसको चुनाव करेगी यानी जिसका चुनाव करेगी, समाजवादी पार्टी की लगातार मांग रही है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो बेहतर होगा, क्योंकि सब पूरे विश्व में आज बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। मैडम उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी से और 22 जनवरी तक लगातार बीजेपी गांव-गांव रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ करवाने का कार्यक्रम कर रही है, क्या समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी इसका? मैं समझती हूँ भाजपा जो सरकार में आई है वो लोगों के हितों के लिए आई है और उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित प्रदेश में कैसे रहें। उनको इस बात में विचार करना चाहिए जब वो गांव-गांव जाएं और गांव-गांव में जहां भारी संख्या वो युवाओं की देखें तो उनको रोजगार और नौकरी कैसे मिले, जब वो देखेंगे किसानों की बदहाली तो उनको उस बात में विचार करना चाहिए कि जहाँ कीमतें, जहाँ महंगाई इतनी बढ़ रही है, जहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जहाँ शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही बच्चों की, तो गांव-गांव जा रहे हैं अच्छा है, तो इन सब सुविधाओं जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए जिसकी वजह से वो सरकार में है और जो उनका धर्म है इस समय कि लगातार लोगों को सुविधाएं दें, लगातार लोगों को नौकरियां दें, खुशहाली का वातावरण और एक खुशहाली का वातावरण प्रदेश में जो होना चाहिए, तो उस बारे में मुझे लगता है कि वो पुनर्विचार करेंगे और सही मायने में वह